नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा में जल्द रैक के माध्यम से एमपीएल में होगी कोयला ट्रांसपोर्टिंग। धनबाद जिले के निरसा में एमपीएल मैथन पावर लिमिटेड प्रबंधन ने थापड़ नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के सहयोग से थापड़ नगर स्टेशन में एमपीएल कैंपस तक सोमवार को इंजन दौरा कर ट्रायल किया। मौके पर एमपीएल के अधिकारी एवं रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। इंजन को ट्रैफिक इंस्पेक्टर अजय कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया। इंजन को ट्रैक पर ट्रायल के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर मौजूद रेलवे के ट्रैफिक इंस्पेक्टर अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि आज केवल ट्रैक पर इंजन दौड़ाकर ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल के दौरान जो भी कमियां या खामियां नजर आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा, उसके पश्चात इस ट्रैक पर रैक को दौड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल एमपीएल में हाईवा के माध्यम से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग होती है, लेकिन एमपीएल प्रबंधन जल्द ही रैक के माध्यम से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग करने के कार्य में लगा हुआ है। उसी के उद्देश्य से आज थापड़ नगर रेलवे स्टेशन से एमपीएल तक लगभग 14 किलोमीटर के ट्रैक पर इंजन दौड़ाकर ट्रायल किया गया। मुगमा संवाददाता पप्पू केवट की रिपोर्ट। इसका रूट क्या होगा सर, कितनी कैपेसिटी से रन करेगी इस ट्रैक पर? अभी रन करने का तो डिसाइड होगा हेडक्वार्टर से। आज इंजन ट्रायल केवल है, अब इंजन ट्रायल का ट्रैक का फिटनेस के बारे में देखा जाएगा, उसके बाद फिर उसके आगे का प्रोसेस शुरू होगा। सर, इंजन ट्रायल में क्या कुछ बातें हैं जिनको आप देख रहे हैं ट्रायल के दौरान? अभी तो हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं क्या क्या अंदर है, फिटनेस मिला होगा उसके बाद। सर, लगभग क्या अनुमान करें कब से ये कोयला कब से उत्पादन शुरू हो जाएगा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इस ट्रैक के माध्यम से? देखिए, लाइजेनिक ऊपर है, जैसे जैसे हम लोग का ट्रैक फिट हो जाएगा और आपका उसी का भी हो जाएगा तो चालू हो जाएगा। और आ सकता है वो बताएंगे, अभी साहब भी बताएंगे, और एलएसी है, एमपीएल के भी है, एमपीएल के भी हैं, सकते हैं कब तक क्या होगा।